आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, लगातार स्वागत है आपका। और आपको बताते चलें कि भारत सरकार के द्वारा रुबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत काफ़ी सरकार पैसा खर्च कर रही है टीकाकरण पर, लेकिन हमारे गांधरी रेवसा क्षेत्र में, विकासखंड में, कुछ कम बुद्धि के और कम पढ़े लिखे लोग अफवाहें फैलाकर अपने बच्चों को टीकाकरण नहीं कराते हैं। हमेशा आप लोगों ने अखबार की सुर्खियों से लेकर के और आप देखते रहें कि गांधी क्षेत्र रेवसा विकास छाया रहा है। वही कड़ी में आज एक बार फिर विकासखंड के सेवता कस्बा में करीब 75 बच्चों ने टीकाकरण नहीं लगवाया। काफ़ी टीमें गईं, यहां तक कि रेवसा प्रभारी तक गए, लेकिन उन बच्चों के गार्जनों और बच्चों ने टीके नहीं लगवाए। और उनका यही आरोप था, कहीं दाने निकल आते हैं, कहीं फोड़े हो जाते हैं, कहीं ये हो जाता है, उल्टी सीधी उनकी अफवाहें और आरोप थे। जिनकी बच्चों की संख्या न लगने वाले टीकाकरण की संख्या, वहीं रेवसा सीएचसी प्रभारी अनंत मिश्र ने अपने जिम्मेदारों को आला अधिकारी जिले पर दी। और वहीं काफ़ी टीम, यहां तक कि प्रभारी ने बताया कि मैं भी गया, मेरी टीम भी गई, लेकिन वो काफ़ी मन्नतें करने के बावजूद भी वो टीके नहीं लगाए। थक हार करके प्रभारी ने लिखित सूचना और उनकी प्रिंट कुछ अधिकारियों को जिले पर दी, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रतिरक्षक अधिकारी जिले के पीके सिंह गुरुवार को सेवता कस्बा में पहुँचे पूरी अपनी दलबल टीम के साथ। यहां तक कि थाना प्रभारी एसओ रेवसा विनोद कुमार से गुहार लगाई एक कांस्टेबल और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की। तत्काल सूचना पर रेवसा एसओ प्रभारी विनोद कुमार मिश्र ने उनको कांस्टेबल उपलब्ध कराए और पूरी टीम रेवसा सेक्टर प्रभारी समेत और नायला आलम और सेवता की उप केंद्र स्वास्थ्य की टीम और पीके सिंह अपने दल बल के साथ कांस्टेबल टुन्ना सेवता कस्बा पहुँचे, जहाँ पर घर घर और दरवाजे पर जाग जा करके जो बच्चों ने टीके नहीं लगाए थे, उसके बाद उनको काफ़ी समझाया बुझाया गया डॉक्टर पीके प्रतिरक्षक अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के। उसके बाद में काफ़ी मन्नतें, उसके बावजूद भी अपनी उस पर अड़े रहे, लेकिन जब दलबल काफ़ी मजबूत देखा और उन्होंने काफ़ी मन्नतें और समझा बुझा करके तब जाके कहीं 75 बच्चों को टीकाकरण कराया गया। आप लोग फोटोस और वीडियो के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से गांव में भीड़ भाड़ और बच्चों की संख्या और लोग टीम पहुंची है, क्योंकि वहीं अनंत मिश्रा ने यह भी बताया कि पुलिस व्यवस्था की भी करनी पड़ी और तब जाके 75 बच्चों को कड़ी मशक्क़त के बाद, समझाने बुझाने के बाद टीकाकरण हो पाया। और सुबह टीम करीब 10 बजे के आसपास पहुंच गई थी, 8 बजे, और उसके बाद करीब शाम 5 बजे ही 75 बच्चों में ही पूरा समय व्यतीत हो गया।